मेरे साथियों, हम योग विद्या में पतंजलि योग, अष्टांग योग को अपना मूल स्रोत बना के आगे बढ़ते हैं। इसमें आप जानते हो यामा नियमा, योगासना, प्राणायामा, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। इसमें प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्राणायामा में हम अपने प्राण को नियंत्रित करते हैं। प्राणवायु जीवनदायिनी ऑक्सीजन जो हवा में 21% है, उसको इस तरह से नियंत्रित रूप में हम लेते हैं जो कि हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़े में रक्त से मिलके उसे ऑक्सीजनेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी और वेन्स के द्वारा हमारे सारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ प्राप्त कराते हैं। तो ये एनिमेटेड योगा भाई मोदी जी पीएम इसमें प्राणायामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको नारी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं या अनुलोम विलोम कहते हैं। इसके बहुत ही लाभ हैं, आपके तनाव दूर हो जाएंगे, सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे और बहुत ही नियंत्रित रूप से ये आपके मस्तिष्क में शांति का एहसास कराएगा। ये श्वास हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि जब आप भयभीत होते हैं तो आपकी सांस बढ़ जाती है, जब आप काम मुद्रा में आते हैं तब भी आपकी सांस बहुत तीव्र गति हो जाती है। तो हमारी जो मानसिक स्थिति है उससे ये सांस जुड़ा हुआ है प्यारे दोस्तों। लेकिन जो लोग नियंत्रित रूप से अनुलोम विलोम करते हैं या नारी शोधना प्राणायाम जिसे बोलते हैं, तो हर परिस्थिति में अपने श्वास को नियंत्रित रख सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हम जो आपको जीवी के विद्या निलिया के प्रांगण में योग विद्या का शिक्षण देता हूँ, उसमें प्राणायाम को भी हम बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और बहुत सारे 8 प्राणायाम का हम जिक्र करते हैं और करवाते हैं। उज्जयी, उद्युत प्राणायाम, सारे प्राणायाम के द्वारा आपके जीवन में सारी सुख सुविधाओं का एक अद्भुत अनुभूति कराने का मैं प्रयास करता हूँ। तो अनुलोम विलोम बहुत ही बेहतर प्राणायाम है, इसको मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन जान लीजिए अनुलोम विलोम आपके जीवन में बहुत ही शांति ला सकता है। मोदी जी की सफलता शांतिचित्त विचारों और व्यवहारों में योग हमेशा परिलक्षित होता है, इसीलिए तो विश्व के महान नेताओं में उनकी गिनती होती है। हम किसी मजहब, जाति, धर्म या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, हम एक योगी हैं, फकीर योगी, वृंद योगी। तो जो भी लोग चाहते हैं कि कुछ अद्भुत कार्य करें, बाबा रामदेव हो या आप हो, तो अनुलोम विलोम अवश्य करिए, नारी शुद्धि। मिलते हैं कल और आपको इस सब को करके दिखाएंगे और आपको पारंगत बना देंगे। धन्यवाद प्यारे।